Hi guys, welcome back to Just Reviews Official. आज बहुत दिनों बाद मैंने कैमरा हाथ में उठाया है क्योंकि कल मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और मैंने सोचा कि यार बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, व्लॉग कर लेते हैं। बेसिकली हम ज़्यादा जा नहीं पा रहे हैं इधर, एंड मम्मी जी पापा जी के मेमोरीज कैप्चर करना इज़ सच अ ब्लेसिंग फॉर अस। एंड पिछले हफ्ते मैंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया यूट्यूब से रिलेटेड, बिकॉज़ टफ़ी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि ड्रिप चढ़ाने तक की नौबत आ गई थी, एंड इट वाज हॉरिफाइंग फॉर अस। बट थैंकफुली वो थोड़ा बेटर है, आई थिंक थोड़ा मिलेगा। वहाँ पे भी एक डॉगी है, उससे तो थोड़ा बेटर होगा। वो भी थोड़ा बीमार है शायद, एंड नर्सा वर्सा भी उतार दी मैंने उसकी। मैं फ़ोटो डाल दूँगी जब हम हॉस्पिटल गए थे। एंड अभी बज रहे हैं रात के 1:30, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एंड मेरे ना रात की शिफ्ट होती है जो कि 2:30 बजे तक चलती है, और जब मेरे हस्बैंड सो जाते हैं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता काम करने का। यूजुअली क्या होता है कि अपनी सीरीज़ वगैरह देखते हैं तो मेरा मन लग जाता है, बट कल क्योंकि हमें ट्रैवल करना है, इनको ड्राइव करना है, तो ये सो रहे हैं। सो या अब मैं अपना ऑफिस फिनिश करूँगी, थोड़ा सोच रही हूँ मास्क वास लगा लूँ, स्किन थोड़ी ठीक ठीक ही हो रही है। देखते हैं क्या करेंगे और फिर कल सुबह निकलते हैं। तो आपसे मिलती हूँ कल। गुड नाइट। हाय गाइस, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आपके लिए न्यूट्री हैंड्स का प्रोटीन पाउडर, जो कि चॉकलेट और वेनिला दो फ्लेवर्स में आता है। आप इसकी पैकेजिंग वगैरह चेक कर लो। इसके साथ हमको एक सिपर भी फ्री मिला था। ये सिपर बहुत ही अमेजिंग है, आप देख सकते हो कितने अमेजिंग न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर, और ये वेट मैनेजमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। आप इसको मील रिप्लेसमेंट की तरह भी ले सकते हो, और चॉकलेट और वेनिला दोनों ही फ्लेवर मुझे काफ़ी पसंद है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी आप लोगों के लिए। इसमें काफ़ी हाई प्रोटीन है, लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और ये फाइबर में काफ़ी अच्छा है। और इसका जो टम्बलर हमको मिला है वो भी बहुत अच्छा है, टम्बलर बहुत ही स्टर्डी है, लीक प्रूफ है। इसके नीचे कुकी कंटेनर भी दिया हुआ है कि अगर आप जिम करने के लिए इसको लेकर के जा रहे हो तो आप कुकीज़ रख सकते हो। उसके बाद आपको एक पिल बॉक्स भी दिया हुआ है, इसमें आप अपने मल्टी विटामिन्स या सप्लीमेंट्स जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। उसके बाद प्रोटीन पाउडर शेक करके आप इसी में से पी भी सकते हो। सो इट्स एन ऑल इन वन कंटेनर विच इज़ सुपर गुड, एंड वी टोटली टोटली लव इट। ये जार एक बहुत ही ब्यूटीफुल से पर्पल कलर में आया हुआ है, एंड काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, ओपन भी हो जाता है ताकि क्लीनिंग हो पाए आसानी से एकदम दम। पैकेजिंग सील्ड आती है, एंड इसके साथ हमको एक स्कूप मिलता है मेजर करने के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा मेजर करके ही बनाओ अपना प्रोटीन शेक, क्योंकि एक्सेस भी बुरा होता है बॉडी के लिए। फिर हमारी हार्ट हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, एनर्जी एंड इम्यूनिटी के लिए किस तरह से यूज़फुल है, ये भी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बॉक्स पे दी गई है। नथिंग इज़ हिडन, ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ऑल द कैलोरीज, ऑल द ब्रेकडाउन, कैसे इसको बनाना है, पर सर्विंग क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, सारा कुछ डिब्बे पर ही लिखा हुआ है। सो आप आसानी से पढ़ सकते हो, एंड यहाँ पे वाटर के अंदर आप इसको कोल्ड या हॉट वाटर जैसा भी आप प्रेफर करो, आई वुड से कोल्ड वाटर में, या फिर अगर आप मिल्क में प्रेफर करो तो एक स्कूप भर का आप इसको डालो एंड आराम से शेकर में शेक करो उसके बाद। सो गाइज, 180 ml वाटर में आपको 3 स्कूप्स डालने हैं। तो यहाँ पे 180 ml वाटर हमने ले रखा है, एंड 3 स्कूप्स ऑफ वेनिला वाला फ्लेवर हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, क्योंकि आज हम लोग यही आजकल हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट प्रोटीन पाउडर का थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, बट ये उतना बुरा नहीं है। सो आई विल नाउ आस्क मिस्टर हस्बैंड टू टेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस एंड सी कि इनको ये कैसा लगता है। दो फ्लेवर होने के बाद मैंने वनीला चूज किया है, और मैंने दिखाया कितनी मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, केवल इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए, सारा सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद आप उसको बना के कहीं भी आप रनिंग पे जाते हैं, गेम खेलते हैं या आप जिम करते हैं तो उससे पहले आप इसको पी सकते हैं। वनीला का टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, और सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने दिखाई दिए थे इसमें, तो
आपको जो है इसकी सारी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे इसको वॉच करें और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको कमेंट करें। गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं अभी घर के लिए एंड काफ़ी मतलब धीरे छोटे छोटे कस्बे पड़ते हैं, इनमें काफ़ी भीड़ भाड़ होती है जस्ट बिकॉज बाइक वाले और साइकिल वालों से बचा के आपको गाड़ी चलानी पड़ती है। और अभी मैं मिस्टर हस्बैंड और टॉफ़ी भी दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मैं अपनी घर से कॉफ़ी बना के लाई थी वो पी रही हूँ, समोसा खाया अभी वो दिखाना भूल गई, भूख लग रही थी, बहुत स्पाइसी भी था सो खा ही लिया। गाइस यहाँ तोता है, यहाँ टफी है, टफी काट लेगा। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग बैक होम और क्रॉसिंग पर खड़े हैं, घर से निकलते ही क्रॉसिंग आ जाती है थोड़ा दूर पे एंड 1 घंटा लगभग लगेगा। मौसम काफ़ी सही हो गया है, काफ़ी बादल हैं, बारिश हुई है यहाँ। तो आपने देखा होगा घर पे ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हुई क्योंकि सब लोग कैमरा के पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और जब इतनी कम देर के लिए जाओ ना तो हमारा फोकस भी था कि हम सबके साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करें, जो कि हमने किया भी। अब देखते हैं आगे मैंने पूरे दिन में क्या किया आपको दिखाती हूँ। सो अभी हम लोग वापस लौट ही चुके हैं ऑलमोस्ट, और आप लोग अगर देख रहे हो तो मुझे बताना कि मैं इस लुक में कैसी लगती हूँ बिंदी वगैरह लगा करके। एंड मिस्टर हस्बैंड ना मुझे छोड़ के गाड़ी भी कहते हैं, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, हर जगह पानी पूरी खा रहे, मतलब मतलब हम लोग अभी कटौता पर हैं। और वो देखो वो येलो शर्ट दिख रही है, वो मेरा पति है, वहां पानी पूरी खा रहा है। जस्ट सो बैड वाइफ इज नॉट ईटिंग तो ही विल गो एंड ईट। अच्छा फी आई चीजें ना ये तो मेरे को भाव ही नहीं देता यार। सो हम वापस आ गए थे, अभी मैं फटाफट से डिनर बना रही हूँ क्योंकि मैं पुलाव बना रही हूँ आलू मटर का, इंस्पायर्ड फ्रॉम संभावना सेठ। आजकल मैं उनके बहुत व्लॉग्स देखने लगी हूँ, कल मैंने उनका कोई बहुत आई थिंक लॉकडाउन वाला एक व्लॉग देखा कि उनके इन लॉज आए हुए थे और वो पुलाव बना रही थी, तो मेरे पास ना कुक चावल थे तो मैंने सोचा मैं इसी का कुछ कर लेती हूँ। एंड हमारा प्याज और मटर फ्राई हो रहा है, आलू चॉप्ड हैं, सारे मसाले रखे हैं, किचन किंग मसाला भी रखा है, और ये हमारे कुक्ड राइस। वेजीज कितनी अच्छी लग रही हैं, अब मैं इनको पकने दूंगे उसके बाद टॉस करेंगे। सो हमारा यमी यमी पुलाव हो चुका है रेडी, तेजपत्ता साइड में निकाल दिया था मैंने, अब हम इसे सर्व करेंगे। और मैंने यहाँ पर कल के लिए छोले भी भिगो दिए हैं, एक का मैं हमस बनाऊँगी, एक की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने बना लिया है बूंदी का रायता, मुझे ना ऐसे ऊपर ऊपर क्रंची क्रंची बूंदी पसंद है, आप बताना आपको कैसे पसंद है। आई एम डूइंग माई ऑफिस वर्क विद दिस न्यू डिटॉक्स टी एंड या मेरे मिस्टर हस्बैंड स्लीपिंग, टफी वहाँ कहीं सो रहा है, वी डोंट हैव द प्रिटीएस्ट बेड शीट। इट्स बिकॉज कि टफ़ी की जब तबीयत ख़राब थी वो बिस्तरों पे उल्टियाँ कर रहा था एंड वॉज वेरी मेसी टू हैंडल, तो हमने अभी एक पुरानी से बेड शीट डाल के रखी है और इसको मैं कल चेंज कर लेती हूँ। एंड मेरा काजल जो सुबह लगाया था पूरा फैल चुका है, हमस बनाते हुए आपसे मिलूंगी आई थिंक, या उसको नेक्स्ट ब्लॉग के लिए कंटिन्यू करते हैं। सो आई थिंक आई एम गोना एंड दिस ब्लॉग हियर, इफ़ यू डिड लाइक दिस डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सब छोटे छोटे व्लॉग्स और नॉट, एंड एक कॉमेंट ज़रूर छोड़ देना गाइज। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।